भाई आप तो सॉन्ग के अंदर ही मौजूद है, तो आपको मतलब आपने सॉन्ग सुना, उसके थोड़े से हमें उसके रिव्यूज दें, कैसा लगा आपको सॉन्ग? बहुत जबरदस्त यार सॉन्ग है, मतलब जो हमारा इंटरेस्ट है, आप भी तो हैं उसके अंदर जो हमारा इंटरेस्ट है, मतलब गाँव का होना चाहिए सारा सीन। और मेरा तो वैसे भी लुक जो है वो सारी पेंडू लुक आती है, मैं वो ही बता देता हूँ। और वो मतलब ओवरऑल रिव्यू क्या देंगे, कैसा है सॉन्ग? सॉन्ग बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तानी जो टिकटॉकर के सॉन्ग आते हैं उसको देखे जाए तो उसके मुताबिक क्या इसके मतलब 10 में से क्या इसको आप करेंगे? नहीं, हर जगह हर बंदे का सॉन्ग अच्छा होता है, हर जगह मेहनत की होती है हर किसी ने। बाकी मैं अपने सॉन्ग का कहूंगा कि मैं तो 10 दूंगा। जैसे कि हमें पता है कि शजील आविश जो है इसका सेकंड रोल जो है, सेकंड मेन रोल जो है वो अदा कर रहे हैं इस गाने के अंदर तेरे सच्चे में, तो इनसे हम जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और सॉन्ग को उन्होंने आज ही देखा है सारा, तो इनसे जानेंगे इनके रिव्यूज क्या है सॉन्ग के बारे में। अस्सलाम वालेकुम गाना, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे ये इतना बड़ा मतलब चांस मिला पाकिस्तान में, बड़ा प्यारा सॉन्ग था और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था। और शूटिंग के दौरान भी बड़ा मज़ा आया, बड़ा हमने हार्ड वर्क किया और गाना मैंने खुद भी देखा भी, माशाल्लाह बड़ी मज़े की एक्टिंग और सारा कुछ, सॉन्ग और जो जो कुछ था वो बड़ा माहौल बना हुआ है सॉन्ग का एक, तो मुझे पर्सनली तो बहुत पसंद आया। नईमा आपने सॉन्ग अभी सुना तो आप मतलब और भी पाकिस्तान के सॉन्ग सुनना सुनती होंगी, तो उसके लिहाज से इसको आपने देखा होगा, तो क्या रिव्यू देना चाहेंगी सॉन्ग के बारे में? लिटरली सॉन्ग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, ऊपर से मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स थे इसके अंदर और मैं चाहूंगी कि ऐसे सॉन्ग और आए। तो मिनाहिल जैसे कि आपने गाना सुन लिया है तो मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि आप गाने को 10 में से क्या रेट करना चाहेंगी? मैं 10 में से 10 ही दूंगी। 10 में से 10 क्यों देंगी? मेरा सॉन्ग है, अच्छा है तो दूंगी ना। नहीं, आपका सॉन्ग है इसलिए 10 में से 10 देंगे कि आपको खुद मतलब अगर आप इस सॉन्ग में ना होती तो फिर आप इसको क्या रेट करती? फिर भी मैं 10 ही देती क्योंकि मैं मूड में जो गाया था। जैसे कि आपका ये फर्स्ट सॉन्ग था तो मतलब इसके बारे में आपका मतलब कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस सॉन्ग को, मतलब इसमें काम करते हुए तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? जो मेरे बाकी कुलीग्स थे वो भी बहुत अच्छे थे और एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। थोड़ी गर्मी थी लेकिन फर्स्ट सॉन्ग था लेकिन अच्छा हो गया। तो मैंने सुना कि आपने खाना भी नहीं खाया था। खाया था लेकिन थोड़ा खाया था। तो आप मैंने सुना रात पूरी सोई भी नहीं थी। हाँ, सोई भी नहीं थी। तो फिर आपने कैसे शूटिंग कर ली? शूटिंग अब जब पहला सॉन्ग है तो थोड़ा तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना। ये भी है। चले थैंक यू सो मच और अल्लाह आपको और कामयाबी दे। वैसे और ये भी बताएं कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग मतलब आपके पहला सॉन्ग कर लिया तो आगे आप और भी सॉन्ग करेंगी, मतलब ड्रामा इंडस्ट्री में जाना पसंद करेंगी? हाँ जी, जाना पसंद करूंगी। तो अगर चांस ना मिला फिर? चांस ना मिला, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। महमूद भाई जो हमारे गाने तेरे सत्ये के जो हैं वो सिंगर हैं और जो हमारे जो राइटर थे वो डेरे वाले हैं, वो आज नहीं आए, तो इनसे हम पूछेंगे कि इनको सॉन्ग गा के कैसा लगा और इनके नज़रिए में कि ये सॉन्ग इनके मतलब इनका ये सबसे बेस्ट सॉन्ग था कि नहीं। जी, गाना मेरा सबसे बेस्ट अब तक का सुपर गाना यही है और या क्योंकि आपकी डिमांड थी भंगड़ा हम करना चाह रहे थे, कुछ नया जो मतलब ऑलरेडी पाकिस्तान में नहीं है, सो हमने भंगड़ा किया और रियली समथिंग न्यू पाकिस्तान में हमने कुछ नया किया और मज़ा आया इसका बिल्कुल हमें। तो मिनाहिल मैं आपसे पूछूंगा कि आपको महमूद भाई के साथ काम करके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पहले भी चाह रही थी मैं इनके साथ काम करूँ। तो महमूद भाई आपके आप अभी तक आपके गाने पे कितने व्यूज हो चुके हैं? अभी आई थिंक 40K हो चुके हैं हमारे, विद इन 2 आवर्स हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, आपको देखते रहते हैं हम, आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, आपको देख के टिकटॉक बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो सकता। बहुत अच्छा गाना है, बड़ा जबरदस्त गाना है यार, मैंने सुना है और मुझे बहुत मजा आया। मैं इतना ज्यादा शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लेकिन बहुत अच्छा गाना है। अल्लाह और कामयाब करे आपको और आगे भी आप ऐसे सॉन्ग दे। थैंक यू सो मच, मतलब मेरी उम्मीद है कि आपके अगले गाने में आ सकते। नहीं नहीं जरूर, ये तो मेरे लिए ऑनर होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो असद भाई आप कराची से हैं, इस सॉन्ग को सुन रहे तो क्या रिव्यू देंगे इसके बारे में? जी जी माशाल्लाह बहुत अच्छा सॉन्ग है और हम स्पेशल आरिफ भाई के सॉन्ग के लिए इधर कराची आए और लाहौर आए हैं, तो हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि अल्लाह पाक इनको कामयाबियां करते हैं। और हारिस भाई नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार दिया है और इनका फर्स्ट सॉन्ग है, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो, सुनने में भी मजा आएगा, आप सब सुने। तो मिशू शेख हमारे साथ और ये सॉन्ग की जो रिलीजिंग के बाद बहुत लेट आई है, तो मैं इनसे पूछूंगा क्या इन्होंने सॉन्ग अभी तक सुना है कि नहीं सुना? सुना है, सॉन्ग बहुत अच्छा है। कहाँ पे सुना आपने? मैंने यूट्यूब पे। अच्छा, कितने व्यूज हो गए? व्यूज नहीं चेक किए फिलहाल। तो मतलब सॉन्ग आपने सुना तो क्या इसको मतलब कैसे देखा आपने और आपको देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, वीडियो बहुत अच्छी थी, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, पर सॉन्ग बहुत अच्छा था। अच्छा, तो इसको रेट क्या करेंगी 10 में से? मेरा ख्याल है 10 ही जाना चाहिए। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने जब सॉन्ग देखा तो आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी कि इतना अच्छा कंटेंट, इतनी अच्छी म्यूजिक कंपोजिशन
और उसके साथ फिर आप सब लोगों ने जो मिलके एक्ट किया है उसमें, इट्स रियली गुड, आई रियली लाइक्ड इट। और मैं बड़ा हैरान था कि इतना अच्छा कंटेंट, मेरे ख्याल से आप लोग का ये पहला इस तरीके से एक म्यूजिक का था सिलसिला, तो ये आई वॉज रियली हैप्पी कि इतना अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मतलब आप जो टिकटॉकर्स हैं उसको मतलब पहले आप किस नज़र में देखते थे और आप उसको कैसे देखते हैं? अच्छा, जब मैंने टिकटॉक के बारे में सुना था तो मेरा कोई बहुत ही ख़राब सा इम्प्रेशन बना था क्योंकि लोगों से सुना था, लेकिन जब मैंने पर्सनली खुद देखा टिकटॉक पे तो आई रियलाइज कि बहुत अच्छा कंटेंट बनाने भी वाले हैं। मैंने सुना था कि आप सॉन्ग के अंदर हैं लेकिन वीडियो के अंदर कहीं नजर नहीं आए। बस कुछ इमरजेंसी बन गई थी, तबीयत मेरी खराब थी तो उसकी वजह से मैं सॉन्ग में नहीं आया। तो नहीं मतलब आपने, मैंने देखा कि आपने इसकी प्रमोशन बड़ी अच्छी की है, तो आपने इसकी मतलब अपनी प्रोफाइल फोटो भी ये लगाई थी, आपके फैन क्लब से भी इसकी लगाई थी, लेकिन फिर भी ऐसी क्या वजह बनी कि आप इसके सॉन्ग के अंदर नहीं आए, नजर नहीं आए वीडियो के अंदर? यार पहली बात तो ये है कि हमारा अपना सॉन्ग था, लाइक हारिस का सॉन्ग हो या मेरा, बात तो एक ही है ना, उसको प्रमोट करना सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है। तो मतलब सॉन्ग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सारा सुना है तो इसको रेट करें और बाकी जो सॉन्ग है उसे कंपैरिजन करें, तो क्या मतलब आप कहेंगे? पंजाबी सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, मैंने खुद सुना है, सब ने इसको पसंद किया, लाइक जितने भी मेरे दोस्त हैं सबको बहुत अच्छा लगा, इसको रेट मैं 10 में से 10 ही दूंगा। तेरे सत्य को क्यों मतलब उसको जो उसके ऊपर आपने प्रमोशन किया, उसके मतलब जो उसको स्पॉन्सर किया, वो आपने क्यों किया? वो हम क्योंकि हम आर्टिस्ट में बिलीव करते हैं, लाइक जो हमारे आर्टिस्ट जो हमारे पैनल के हैं जिन्होंने परफॉर्म किया इस म्यूजिक वीडियो में, हम उनमें 100% एतमाद रखते हैं। तो अब हम अपने गाने के प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलेंगे, तो ये जो भाईजान है हमारे प्रोड्यूसर हैं, तो क्या हाल चाल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और गाने आपने जितना गाने को प्यार दिया उसको देखकर मैं और ज्यादा एक्साइटेड और ठीक हो गया हूँ। डायरेक्टर साहब की तरफ आएंगे तो आपका क्या ख्याल है सॉन्ग को, सॉन्ग के बारे में? बहुत अच्छा जा रहा है, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो इसी तरह ही आप लोग प्यार देते रहे। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारी एडिटिंग भी जो है ना वो ज़ैफा भाई ने की है, तो इन्होंने मुझे पोस्टर भी सेंड किया, तो पोस्टर ही हमारा इतना ज़बरदस्त किस्म का बनाया था कि वो ऐसे लग रहा था कि ये एक मूवी है या फिर कोई ड्रामा है। तो अक्सर लोग भी कमेंट्स में पूछ रहे थे क्या ये मूवी है ड्रामा है, लेकिन वो एक सॉन्ग था। जाते जाते आपसे दो लाइनें सुन लेते हैं, उसके बाद अल्लाह हाफिज़ करते हैं, तो हमें गाने की दो लाइनें सुना दें। जी जरूर। हथ फड़ के नहीं छड़ना कार च बैंदी दा मुटियारे, तेरे हार च जो लोने चन को ले लेने मैं तारे, तेरे सदके मैं जाना सुनो जी कहिंदी दे मुटियारे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार लिरिक्स हैं इसके, और अब हम आपसे इजाज़त लेंगे, और जो आप ये YouTube पर जाके गाना जरूर सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको इसके लिरिक्स और गाना टोटल कैसा लगा। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।